में प्ले कार्ड पकड़े इन लोगों की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है। इस प्ले कार्ड पर लिखा है नो रोड ऑन इंडो चाइना बॉर्डर। ये तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि सिटीजंस फॉर ग्रीन डोन नाम के एनजीओ ने पर्यावरण का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में भारत चीन बॉर्डर पर सड़क नहीं बनाने की एक पिटीशन दाखिल की। दावे के अनुसार पिटीशन दाखिल करने वाले वकील कॉलिन गोंजालेस ने कोर्ट में कहा कि भारत युद्ध के वक्त हवाई रास्ते का उपयोग कर सकता है। प्रोपोगेंडा वेबसाइट क्रिएटली ने ये तस्वीर इसी दावे के साथ ट्वीट की है। क्रिएटली का ट्वीट बीजेपी आईटी सेल के पूर्व हेड और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के को फाउंडर अरविंद गुप्ता ने को ट्वीट किया था। कई यूजर्स बिना तस्वीर शेयर किए भी ये दावा पोस्ट कर रहे हैं। तस्वीर और उसके साथ शेयर किए गए दावे की असलियत क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। फेसबुक पर इस एनजीओ के बारे में सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज को एक ग्रुप मिला जिसका नाम एनजीओ से मिलता है। इस ग्रुप की कवर इमेज में ये तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन वायरल तस्वीर से अलग इस प्ले कार्ड पर एनजीओ में शामिल होने की अपील की गई है। इसमें लिखा है कम ज्वाइन CFGD, यानी शेयर की जा रही तस्वीर हकीकत में एडिटेड है। आगे तस्वीर के साथ शेयर किए जा रहे दावे की असलियत जानने के लिए हमने कीवर्ड सर्च किया। 10 नवंबर 2021 को लाइव लॉ ने इस पिटीशन के बारे में एक रिपोर्ट शेयर की थी। हालांकि आर्टिकल में सड़क बनाने को लेकर पाबंदी लगाने की कोई बात नहीं बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि पहाड़ों पर बनने वाले रास्तों की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए रास्ता चौड़ा करने का था, जिससे बसें आमने सामने से आ जा सके। बाद में मालूम पड़ा कि सेना के आवागमन के लिए रास्ते को और चौड़ा कर 10 मीटर किया जाने वाला था। पिटीशन का मुद्दा यही है। ये एनजीओ सड़क के 5.5 मीटर से ज्यादा चौड़ीकरण के खिलाफ है। एनजीओ ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि सड़क ही नहीं बननी चाहिए। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए वो सड़क के चौड़ीकरण के खिलाफ है। आगे ऑल्ट न्यूज ने एनजीओ के वकील कॉलिन गोंजालेस से भी बात की। इस दावे का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट में उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि चार धाम यात्रा के लिए सड़क ही नहीं बनाई जाए। उन्होंने बताया कि 10 मीटर के रास्ते बनाने से पर्यावरण को काफी नुकसान होगा, इससे भूस्खलन का खतरा भी बनेगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एनजीओ ने कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, यानी सोशल मीडिया पर एक एडिट की गई तस्वीर के साथ झूठा दावा किया गया कि एनजीओ ने पर्यावरण का हवाला देते हुए कोर्ट में भारत चीन बॉर्डर पर रास्ता नहीं बनाए जाने की अर्जी दायर की।